हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे अडक्टर कैनाल के चौथे वीडियो या फोर्थ वीडियो में, जो कि है अडक्टर कैनाल के क्लिनिकल्स। अब देखिए, क्लिनिकल्स कुछ नहीं है। देखिए, हमने क्लिनिकल वाला पोर्शन सबसे लास्ट में क्यों लिया है, क्योंकि हमने इसके पहले वाले तीन वीडियो में, देखिए फर्स्ट वीडियो वाली ये पेज था, सेकंड वीडियो वाला ये पेज था, थर्ड वाला ये है, फोर्थ वाला ये है। तो देखिए, इसके पहले वाले हमने तीनों वीडियो में इसका सब कुछ पढ़ लिया कि इसमें कहाँ क्या होता है, कौन सी मसल कहाँ होती है। तो क्लिनिकल्स कुछ नहीं, वही है जो स्टार्टिंग की तीन वीडियो थी, वही क्लिनिकल्स है। वो कैसे? अब कॉमन सी बात है, सबसे पहला क्लिनिकल निकालेंगे हम फर्स्ट वीडियो से। वो कैसे? अब देखिए, आप कुछ अज्यूम कीजिए, ये क्या है, फिमोरल ट्राइंगल, देन अडक्टर कैनाल, देन पोपलिटल फोसा। पोपलिटल फोसा कहाँ होता है? पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई में। अब अज्यूम कीजिए कि कैनाल से जो नर्व जा रही है वो कहाँ जा रही है? नी जॉइंट को। मतलब क्या कि अगर हमें नी जॉइंट की सर्जरी करनी है, देखिए नी जॉइंट सर्जरी बहुत कॉमन है आजकल। आजकल जो भी ओवर एज हो जाते हैं तो सबको नी जॉइंट की प्रॉब्लम होती है कि हमारा जॉइंट पेन करता है, तो बेसिकली उसे सर्जरी करके हटा दिया जाता है। ओके, तो नी जॉइंट की सर्जरी करनी है। अब सर्जरी करनी है तो कुछ काटा पीटा करनी पड़ेगी। अब काट पीट करनी पड़ेगी, बेसिकली काटना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी, तो कुछ नर्व ब्लॉक करनी पड़ेगी, मतलब एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो एनेस्थीसिया कहाँ देंगे? एनेस्थीसिया देंगे हम फीमोरल कैनाल में। क्यों? क्योंकि फीमोरल कैनाल से ही नर्व जा रही है कहाँ पे? नी जॉइंट पे। फीमोरल कैनाल गलती हो गया, अडक्टर कैनाल। ओके, तो अडक्टर कैनाल से ही सारी नर्व जा रही है हमारे नी जॉइंट में, क्योंकि अडक्टर कैनाल थाई में होती है, नी जॉइंट थाई के नीचे ही होता है। ओके, तो मतलब नी जॉइंट की सर्जरी के लिए हम जो सैफेनस नर्व और नर्व टू वास्टस मीडियलिस, इन दोनों को ब्लॉक करनी है, ये दोनों नर्व हमें ब्लॉक करनी है। तो इन्हें ब्लॉक कहाँ करेंगे? अडक्टर कैनाल के अंदर इन नर्व को ब्लॉक करते हैं। तो फर्स्ट क्लिनिकल हो गया इस डायग्राम से। अब सेकंड क्लिनिकल क्या होता है? अब सेकंड क्लिनिकल आते हैं हम हमारे सेकंड डायग्राम से। अब ये भी बहुत ही सिंपल सा है यार, क्यों? अब देखिए, ये वास्टस मीडियलिस मसल है, इस मसल की हाइपरट्रोफी हो गई, मतलब ये मसल फूल गई। अब फूल गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, मतलब इस मसल में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। तो क्या हुआ? इसके अंदर का जो कंटेंट है वो कंप्रेस होगा, नर्व कंप्रेस होगी, आर्टरी कंप्रेस होगी, वेन कंप्रेस होगी, तो लफड़ा होगा। लफड़ा कैसे? मतलब लोअर लिम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, नर्व भी कंप्रेस होगी, तो ओके। और फीमोरल, मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? फीमोरल आर्टरी में। अगर फीमोरल आर्टरी कंप्रेस हो गई तो फीमोरल आर्टरी, दिस इज द मेन आर्टरी ऑफ लोअर लिम्ब, अगर फीमोरल आर्टरी को ही सल्टा दिया आपने तो फिर लोअर लिम्ब को सप्लाई कौन करेगा? मतलब इस मसल की हाइपरट्रोफी से, मसल्स ज़्यादा बड़ी हो गई, हाइपरट्रोफी से फीमोरल आर्टरी के ओक्लूजन मतलब ब्लॉकिंग के चांस, ओक्लूज हो जाएगी ना, ओक्लूज मतलब हाँ मतलब जो भी, तो फीमोरल आर्टरी के ओक्लूजन के चांस बढ़ जाएंगे, तो लोअर लिम्ब को ब्लड कम पहुँचेगा। तो सेकंड क्लिनिकल क्या होगा? हाइपरट्रोफी ऑफ वास्टस मीडियलिस मसल। और थर्ड क्लिनिकल बहुत ही सिंपल सा है, एक्सरसाइज। कोई बंदे क्या करते हैं, ढंग से समझते नहीं है, उल्टी सुलटी एक्सरसाइज कर लेते हैं लोअर लिम्ब की, नीचे वाली लेग्स की होती है ना, लेग प्रेस। तो मतलब कोई बंदे ने, नया नया बंदा है, जिम गया, उसने उल्टी सुलटी एक्सरसाइज कर ली, तो वही इसके कंटेंट में कोई मसल इधर उधर स्ट्रेच हो गई, तो फीमोरल सॉरी नोट अडक्टर कैनाल में लफड़ा हो जाएगा। तो देखिए, सारा क्लिनिकल कुछ नहीं है, जो भी हमने इसके पहली वाली तीन वीडियो में पढ़ा है वही सारा का सारा क्लिनिकल है। तो देखिए, एक बहुत ही स्पीड से देखते हैं क्लिनिकल में। फर्स्ट क्लिनिकल था हमारा अडक्टर कैनाल कंप्रेशन सिंड्रोम, अडक्टर कैनाल कंप्रेशन सिंड्रोम। अब ये क्या चीज़ है? नाम से पता लग रहा है कि अडक्टर कैनाल को हमें कंप्रेस करना है। कैसे कंप्रेस करेंगे? हाइपरट्रोफी से। तो इसके लिए नीचे लिख रहे हैं, पूरे के लिए लिख रहे हैं। ओके, बहुत से बंदे क्या है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर तो ओनली फॉर कैनाल के लिए लिख रहे हैं। ओके, तो कोज बाय, ये कैसे होगा? ये होगा हमारा कोज बाय हाइपरट्रोफी ऑफ एडजस्टेंट पास वाली मसल। तो क्या बोलते हैं उसे? एडजेसेंट हाइपरट्रोफी,
हाइपरट्रॉफी ऑफ एडजेसेंट मसल। ओके, तो एडजेसेंट मसल की हाइपरट्रॉफी से, और मेनली वास्टस मीडियलिस के लिए ले रहे हैं, जैसे सच एज वास्टस मीडियलिस। ओके, तो उसकी हाइपरट्रॉफी से क्या होगा, वो हमारी अडक्टर कैनाल कंप्रेस हो जाएगी। अडक्टर कैनाल कंप्रेस होने से क्या होगा, इससे होगा हमारा फीमोरल आर्टरी क्या हो जाएगी, ओक्लूज हो जाएगी। ओके, फीमोरल आर्टरी में ओक्लूज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लिनिकल। सेकंड क्लिनिकल में आते हैं। सेकंड क्लिनिकल क्या बताया था हमने, कि हमें नी जॉइंट की सर्जरी करनी है, तो वही अडक्टर कैनाल ब्लॉक, अडक्टर कैनाल ब्लॉक। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फॉर टोटल नी ट्रांसप्लांट या फिर आर्थोप्लास्टी। ओके, तो इसके लिए हमें अडक्टर कैनाल को ब्लॉक करना पड़ेगा, और ब्लॉक किस तरह करते हैं, तो देखिए इसी का सेकंड पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल क्यों, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल में क्या करते हैं, पूरी बॉडी को सुला देते हैं, पूरी बॉडी निमटा दी, मतलब निमटा ही नहीं मतलब सुला दी। और लोकल में क्या करते हैं, लोकल मतलब लोकलाइज। अभी पैर की सर्जरी करनी है तो ओनली फॉर लोअर लिम को ही करेंगे एनेस्थाइज, मतलब लोअर लिम में ही एनेस्थीसिया देंगे। कहीं हाथ की करनी है, अपर लिम की करनी है, तो ओनली उसे ही एनेस्थीसिया देंगे। तो लोकल एनेस्थीसिया इंसर्ट इनटू अडक्टर कैनाल। ओके, तो अडक्टर कैनाल में हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे टू ब्लॉक, किसे ब्लॉक करने के लिए, सैफनस नर्व। ओके, और देखिए यहां पे सैफनस, अगर ये वाली सैफनेस ही तो है, देखिए ये वाली सैफनेस है, सैफनेस को ब्लॉक किया तो इसके साथ साथ वास्टस मीडियलिस भी ब्लॉक हो जाएगी, टुगेदर साथ साथ ही तो होगी, तो टुगेदर नर्व टू वास्टस मीडियलिस। ओके, तो ये दोनों के दोनों क्लिनिकल थे हमारे अडक्टर कैनाल के क्लिनिकल्स। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए कि जो भी हमारा पूरा का पूरा अडक्टर कैनाल का पोर्शन था, कि ये वाला टॉपिक आपको कैसा समझ में आया, जो भी आपका रिव्यू लगा, अच्छा लगा बुरा लगा। देखिए हर चीज़ 100% पॉजिटिव नहीं होती, तो बुरा भी लगा हो तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में बोलिए, ताकि हम आगे इम्प्रूव करें, और इस चैनल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।